हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। खास टिप्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए बिना कोई देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। यहाँ पर आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप जो भी चॉकलेट लेते हैं, जिस टाइम पे आपको चॉकलेट की शेविंग्स निकालनी है उसी टाइम से आप चॉकलेट को फ्रिज से बाहर निकालें। मेल्टेड चॉकलेट की शेविंग्स नहीं निकलती है। मैंने अभी जस्ट चॉकलेट को बाहर निकाला है और जितनी आपको चॉकलेट शेविंग चाहिए बस उतनी ही आप इसे निकालें। अब यहाँ पर मैंने ली है अमूल की चॉकलेट सिरप और एक कांच का ग्लास। अब सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमें अपनी ग्लास को प्रिपेयर करना होता है। इस तरह से हमें चॉकलेट सिरप को ग्लास के अंदर अच्छे से स्प्रेड करना होता है। एक डायरेक्शन में आपको ग्लास को रोटेट करते हुए जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, और इस तरह से चॉकलेट सिरप को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, मैंने पूरी ग्लास में चॉकलेट सिरप को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और ग्लास के किनारों पर भी इस तरह से अच्छे से चॉकलेट सिरप को अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें चॉकलेट सिरप इसके किनारों पर भी लगा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर कैफे स्टाइल कॉफ़ी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, चॉकलेट शेविंग इस तरह से हम ग्लास के किनारों पर अच्छे से कोट कर लेंगे ग्लास को उल्टा करके। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से चॉकलेट शेविंग से ग्लास को कोट कर लिया है इसके किनारों को। अब हम इसे फटाफट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम चीनी और कॉफ़ी का घोल तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया एक चम्मच कॉफ़ी, दो चम्मच चीनी और तीन चम्मच गुनगुना पानी। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। एक चम्मच कॉफ़ी, दो चम्मच चीनी और तीन चम्मच गुनगुना पानी लेना है और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि हमारी चीनी जो है इसके अंदर अच्छे से घुल ना जाए, अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। तब तक एक दो मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चीनी और कॉफ़ी को अच्छे से घोल लिया है और यहाँ पर मैंने एक ग्लास बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है, ये जो कि 250 ml के करीब है। ये गर्म किया हुआ दूध है जिसे कि मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। चार आइस क्यूब, एक चम्मच मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसे रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 10 रुपये वाला वनीला कप लिया है। 70% आइसक्रीम हम अभी इसी टाइम पर डाल देंगे, 30% आइसक्रीम हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, 10 वाले वनीला कप से आपका काम चल जाएगा। बहुत ही शानदार कॉफ़ी आपकी बनकर रेडी होगी, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब कॉफ़ी और चीनी का मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आधे से एक चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। अब कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी बनाने की खास टिप यह है कि जब आप मिक्सर चलाएं तब आपको कंटिन्यू मिक्सर को नहीं चलाना है, इसे पल्स मोड पर आपको ग्राइंड करना होता है। मिक्सर को 2-3 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, फिर से 2-3 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, जब तक कि शानदार झाग ना आ जाए। 3-4 बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। अब देखिए, मैंने फ्रीजर से ग्लास को निकाल लिया है और कॉफ़ी को फटाफट से इसके अंदर सर्व करेंगे, इसके अंदर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कितनी झागदार कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है। बस इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि मिक्सर को आपको कंटिन्यू नहीं चलाना है, पल्स मोड पर ही आप मिक्सर चलाएं। जब भी आप कॉफ़ी को सर्व करें तब लास्ट में जार में जो झाग रह जाते हैं उसे आप कॉफ़ी में ऊपर से ज़रूर से डालें, उससे आपकी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, काफ़ी झागदार आपकी कॉफ़ी लगेगी। लास्ट में बहुत सारे झाग रह जाते हैं जार में। अब 30% जो बची हुई आइसक्रीम है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब बची हुई चॉकलेट शेविंग्स को भी हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। डेकोरेशन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फाइनली अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी चॉकलेट सिरप से। बहुत ही शानदार रिच एंड क्रीमी टेक्सचर की कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आपको कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस गर्मा गर्म मौसम में आप ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।